मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपने बच्चे की डिलीवरी ऐसे होते कभी नहीं देखी होगी। ये पीपा पीपा है और ये इस तरीके से अपनी माँ की पीठ को चीर के जन्म लेता है। जब एक मेल और फीमेल टोड रिप्रोडक्शन के लिए पास आते हैं तो उसे मेटिंग कहते हैं। इसके दौरान मेल टोड फीमेल को अपने आगे के पैरों से पकड़ लेता है। पकड़ मजबूत होने के बाद ये दोनों पानी में करीबन 12 घंटों तक इस तरह गुलाटी मारते हैं। ये दोनों सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आते हैं और साइकिल पूरा करने के लिए वापस गहराई में जाते हैं। इस साइकिल में मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिन्हें क्लोएके कहते हैं वो पास आते हैं और फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने से फीमेल की बैक के स्किन फूलने लगती है। क्लोएके वह जगह है जहाँ से फीमेल्स एग रिलीज करती हैं और मेल स्पर्म रिलीज करते हैं। फिर मेल इन एग्स को एक्सटर्नली फर्टिलाइज करके फीमेल की बैक पर इस तरह से इम्प्लांट करता है। कुछ ही दिनों में फीमेल की स्किन एग्स को इस तरह से घेर लेती है। ये एग्स 3 से 4 महीने तक फीमेल की बैक में सुरक्षित रहते हैं और फ्रॉगलेट बनने पर इस तरह से फीमेल की बैक से बाहर निकलते हैं। 60 से 100 फ्रॉगलेट्स को जन्म देने के बाद फीमेल इस परत को अपने शरीर से अलग कर देती है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।